ऑफ़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द स्किल मैन पावर वी सी के इमीडिएटली हम देखते हैं कि नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई इन नवम्बर नाइनटीन फोटी सेवन इस कॉन्फ्रेंस की जो इंपॉर्टेंट जो थी रेकमेंडेशन बहुत सारी थी उसमें एक था कि देयर शुड बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और आप कह लें कि ये लिटरेसी की तरफ कदम था तो सिंस देन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हैज़ रिमेंड एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ज़रूर रहा और लेकिन ये अचीवमेंट अभी भी हम अभी तक हम उसके करीब नहीं पहुँचे और इस मकसद के लिए कंसिडरेबल रिसोर्स है एक्सपेंडेड उसके लिए आ, इस, इस मकसद को अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हैं दिए गए हैं लेकिन डिज़ायर्ड प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन अचीव्ड ना तो हम क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिवली uh, uh, हम उसको अचीव कर सकें क्वालिटी की बात तो फिर बाद में आती है तो so इन 1951 ए सिक्स ईयर नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1951 टू 57 वाज अडॉप्टेड इस प्लान में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम जो थे वो आइडेंटिफाई किए गए कंस्टेंट जो थी वो आइडेंटिफाई किए गए और एक इम्पॉटेंट जो कंस्टेंट नज़र आ रही थी वो था कि हमारे पास ट्रेन टीचर जो हैं वो नहीं हैं और ये इस बात से भी नज़र आता है कि अबाउट वन हाफ़ ऑफ द टीचर्स एट द प्राइमरी स्कूल लेवल वर वॉरट्रेन और इसके साथ ही हमें फिर प्राइमरी स्कूल्स की तादाद भी बढ़ाने बढ़ानी थी और उसके साथ वो इससे एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स नीडेड ओवर एटी सिक्स थाउजेंड एडिशनल टीचर्स इसके साथ ही इन स्कूलों की और जो ज़रूरियात हैं उसको भी आइडेंटिफाई किया गया और ये देखा गया कि हमारे मुल्क में कोई लटे से सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटी सेवन परसेंट जो बच्चे हैं छः से ग्यारह साल की उम्र में वो आउट ऑफ स्कूल हैं तो ये तो वो था कि जो कि फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम के तहत हम जा रहे हैं कि पहले से आगे चलते हैं इसके साथ ही कुछ एम्फेस एडल्ट लिटरेसी पे भी दिया गया और ये एडल्ट लिटरेसी का काम जो है उस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा था विलेज एड या विलेज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता चल रहा था तो ये जो था ये एडल्ट लिटरेसी उनके जिम्मे लगाई गई अच्छा प्लान था आ, विद गुड इंटेंशन से ये प्लान बनाया गया था लेकिन इस प्लान से हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव नहीं हुए बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि लिटरेसी रेट जो था Uh, वो इनक्रीज़ होने की बजाय वो वहीं खड़ा था बल्कि उसमें पॉइंट वन परसेंटेज पॉइंट की कमी भी आई यानी सिक्सटीन पॉइंट थ्री परसेंट रह गया फ्रॉम सिक्सटीन पॉइंट फोर परसेंट से टू लुक एट ईच पॉलिसी एंड प्लान तो हमारे लिए शायद इतने लिमिटेड uh, टाइम में मुश्किल हो लेकिन उनकी जो है जनरल लर्स uh, रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम जरूर देखेंगे तो वी लुक एट सम ऑफ द जनरल इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसीज़ वी सी दैट अगर इन पॉलिसीज़ को देखें तो इन पॉलिसीज़ में काफ़ी डाइवर्सिटी नज़र आती है और जो गवर्नमेंट आई है हर गवर्नमेंट का अपना अपना जो है एम्फेसिस है कि इस पॉलिसी का मेन एम्फेसिस किस बात पे होगा तो एक पॉलिसी आती है उसमें मेन एम्फेसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है दूसरी एक आती है उसमें वो सारे के सारे जो लड़से इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है फिर एक पॉलिसी आती है उसमें ज़्यादा फोकस जो था ऑन इस्लामिक एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन विद उर्दू एज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर एम्फेसिस आ गया फिर आती है एक जिसमें के इट लुक्स फॉर द डिमांड curriculum फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द एजुकेशन और लेटली हम देखते हैं कि इस तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है इसका जो फोकस नज़र आ रहा है ज़्यादा वो इट्स गोइंग टू इट्स जीरोइंग इन ऑन सेम एट डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि ये जो दीनी मदारस हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं इनका जो करिकुलम है उसमें किस हद तक हम हमसे सिमिलरिटी uh, हम ला सकते हैं सो द स्ट्राइकिंग कॉमन फीचर ऑफ ऑल पॉलिसीज़ प्लान प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैज बीन द फिलोसॉफिकल प्रोनाउंसमेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हर एक में एजुकेशन के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता एजुकेशन के बगैर हमारे राइट्स नहीं पता चल सकते अचीव नहीं कर सकते एजुकेशन के बग़ैर हमारी से मैन पावर डेफिशेंट है अगर मैन पावर हमारी डेफिशेंट है तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो रही है सो दिस हैज़ बीन ए कंटीन्यूस काइंड एम्फेसिस इन ईच वन ऑफ द पॉलिसीज इसके बावजूद हम देखते हैं कि ए कॉमन फीचर इज़ द रिपीटेड एडमिशन ऑफ फेलियर फेलियर वो ये है कि हम अचीव नहीं कर सके जो हम अचीव करना चाहते थे तो ईच पॉलिसी कमेंसड विद द लेमेंट अबाउट द फेलियर ऑफ द एफर्ट्स, इंक्लूडिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग वान्स टू अचीव द टारगेट पर्टिकुलरली अगर गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टी की आई है तो वो फिर एक किस्म का था कि उस पॉलिसी में ये खराबी थी या बेसिकली फोकस है कि टारगेट्स अचीव नहीं हुए उसके क्या रीजंस हैं दो एफर्ट्स टू इनक्रीज एनरोलमेंट एंड लिटरेसी वर नॉट रेयर ये हर पॉलिसी में आ, ये क्लेम किया गया बल्कि उसमें ये प्लान किया गया कि यूनिवर्सल लिटरेसी की तरफ हम मूव करेंगे इनमेंट इनक्रीज़ हो गई लेकिन वो अचीवमेंट अभी तक नहीं हो सके तो ऑल पॉलिसीज़ वर पार्शली इम्प्लीमेंटेड और पार्शल इम्प्लीमेंटेशन की दो ही वजूहत हो सकती हैं एक तो फिनेंशल कंस्टेंट्स की बात हो सकती है और दूसरा पोलिटिकल विल की बात हो सकती है जिसके अंदर बहुत सारी कंस्टेंट्स भी हो सकती हैं तो so ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहीं हो सके एंड देन वी आल्सो सी कंट्रीब्यूशन ऑफ़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात हम देखते हैं सो द इम्प्लीमेंटेशन लेफ्ट सो मच टू बी डिज़ायर्ड दैट नॉट वन पॉलिसी अचीव इट्स डिक्लेयर्ड गोल्स एंड द टारगेट्स ऑफ टाइम सेट फॉर रियलाइजिंग गोल गोल वेरी गुड लॉफ्टी भी हैं नज़र भी आते हैं लेकिन अचीवमेंट के लिए अगेन वी लॉट्स ऑफ कंस्टेंट्स उन कंस्टेंट्स में दो बातें प्रोमिनंटली नज़र आती हैं एक फिनशियल कंस्टेंट्स है और दूसरा जैसे पोलिटिकल वेल की बात कर लें या पोलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की बात आप कर सकते हैं